नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व में नायक की भूमिका निभा रही हरिद्वार पुलिस। नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, अमीर बनने के लिए अपनाया शॉर्टकट तरीका। हरिद्वार एसएसपी द्वारा दिए गए सख्त दिशा निर्देशों पर पूरे जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लगातार सफल परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सुमन नगर पुलिया पर संदिग्ध दो मोटरसाइकिलों में सवार चार संदिग्धों को रोककर उनके कब्जे से 500 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह अपने अन्य साथी मोहित और विशाल के साथ प्रेमनगर देहरादून में किराए के मकान में रहते थे और वही किराए के कमरे से लैपटॉप व प्रिंटर की मदद से नकली नोट बनाने का काम करते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से 500 और 200 रुपए के नकली नोटों के साथ एक लैपटॉप प्रिंटर, दो ब्लेड कटर, दो चमकीली ग्रीन टेप, पेन ड्राइव, बाइक व नोट छापने के सामान के साथ अन्य सामान भी मिला। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण से पूछने पर उन्होंने बताया कि सुनियोजित तरीके से लैपटॉप में स्कैन कर रखे हुए 500 रुपए के असली नोट से जाली नोट तैयार करते थे तथा इन नकली नोटों को अपने साथियों के माध्यम से देहरादून व हरिद्वार के बाजारों में चलाते थे। ये लोग ज्यादातर भीड़भाड़ वाले दुकानों या बुजुर्ग दुकानदारों के पास छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए जाली नोटों को चलाते थे तथा दुकानदार से शेष असली नोट प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से ये लोग बाजार से मोटा मुनाफा उठाते थे। मोहित व निखिल कुमार पूर्व में भी नकली नोट छापने व बाजार में चलाने के मामले में हिमाचल प्रदेश के थाना नाहन से जेल जा चुके हैं और मोहित पूर्व में दुष्कर्म के मामले में भी थाना विकास नगर जनपद देहरादून से भी जेल जा चुका है और इसी के साथ अभियुक्त सोब भी पहले पटेल नगर देहरादून से बैग छीनने के मामले में जेल जा चुका है। अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस टीम में एसपी, सीओ सदर, जितेंद्र मेहरा, कमल मोहन भंडारी प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उप निरीक्षक नितिन चौहान, उप निरीक्षक विकास रावत, सुनील रमोला, अमित नौतियाल, असिस्टेंट उप निरीक्षक सुबोध गिल्दियाल, हेड कांस्टेबल गोपी चंद, कांस्टेबल दीप गौड, कांस्टेबल जयदेव, कांस्टेबल करम तोमर, कांस्टेबल उदय, कोतवाली रानीपुर शामिल थे। हरिद्वार से जिला ब्यूरो संजय भारती की रिपोर्ट।